आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की खींचे नमकीन। उसके लिए हमने भगोने में 1.5 लोटा पानी डाल दिया है और उसमें हम डाल देते हैं नमक, खींचे बनाने वाला खारा, जीरा। उसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं रेड चिली फ्लेक्स। पानी को गर्म गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी आटा। आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट तक हम इसको ढक्कन लगा कर रख देते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरी कढ़ाई में पानी डाला है, पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक जाली वाली प्लेट ली है, प्लेट को अच्छे से चिकना कर दिया है और इस प्लेट को हम इस कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जो आटा हमने बना कर रखा था उसके ढोकले बनाकर हम इस कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं और इन ढोकलों को हम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद ढोकले हमारे अच्छे से पक चुके हैं तो इनको अभी हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ढोकलों को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं और ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ली है खींचे बनाने वाली मशीन। मशीन को हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो आटा लिया था इसकी एक लोई को हम इस मशीन के अंदर डालेंगे और इसकी इस तरीके से हम नमकीन बनाकर तैयार कर लेते हैं। नमकीन को हम एक दिन के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं। ये दूसरे दिन का वीडियो, नमकीन हमारे अच्छे से सूख चुकी है, इसको अभी हम फ्राई कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे गेहूँ के आटे की।